तो ग्रूलो क्रिस्टोफर नॉलन और सिलियन मर्फी की मच अवेटेड फिल्म ओपनहाइमर रिलीज हो चुका है। फिल्म ओपनहाइमर की कहानी में ऐसा कुछ नहीं है जो ट्रेलर देखकर या फिल्म के पोस्टर देखकर समझ में न आया हो। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म ओपनहाइमर में जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की कहानी को दिखाया गया है, जिन्होंने 1945 में दुनिया में पहली बार एटॉमिक बम टेस्ट किया था। फिल्म में सस्पेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इस टेस्ट का रिजल्ट क्या हुआ था। फिल्म में एक्टर सिलियन मर्फी ने ओपनहाइमर का लीड रोल प्ले किया है। इसके अलावा एमिली ब्लंट किटी ओपनहाइमर के रोल में है, वहीं मैट डेमन ने, लेस्ली ग्रॉस और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने लुइस स्ट्रॉस का किरदार निभाया है। फिल्म पूरे 3 घंटे की है और इसकी अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ 1945 में दुनिया में पहली बार एटॉमिक बम टेस्ट करने का किस्सा नहीं, बल्कि उसके आगे पीछे भी ओपनहाइमर की पूरी कहानी दिखाती है। फिल्म किसी भी तरह से किरदारों को डेवलप करने की ओर नहीं बढ़ती है और जैसे जैसे कहानी में जिसकी जरूरत होती है वो आते जाते हैं। फिल्म की सबसे अच्छी बात यही है कि किसी को भी विजुअली स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है और सभी कहानी के हिस्से है जो ओपनहाइमर के आसपास है। फिल्म की कहानी को काफी अच्छे से लिखा और दिखाया गया है। फिल्म के विजुअल्स एकदम परफेक्ट है और किसी भी तरह से कम या फिर ज्यादा नहीं लगते हैं। वही दूसरी ओर फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा है, जो फिल्म का एक मजबूत पहलू है। छोटे छोटे इफेक्ट को बारीकी से जोड़ा गया है, जो फिल्म एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बनाता है। फिल्म में रॉबर्ट के वक्त के सभी सीन्स ब्लैक एंड व्हाइट में, जो काफी खूबसूरत से दिखाते हैं कि ये कहानी के आफ्टर इफेक्ट है और चल रही कहानी से अलग कहानी है। इस फिल्म में आपको जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की पूरी लाइफ दिखाई जाती है और जब वो घड़ी आती है जब उनको एटॉमिक बम टेस्ट करना होता है तो उनके चेहरे पर एक अलग टेंशन और सिकंद नजर आता है। जब हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बम गिरता है तब ओपनहाइमर के दिमाग में चल रहा होता है कि उसने क्या कर दिया। उसके अंदर एक उथल पुथल चल रहा होता है। वो लोगों को बताना चाहता है कि उसने एक बड़ा पाप कर दिया है लेकिन बता नहीं पाता है, लेकिन उनके चेहरे को देखने पर पता चल जाता है कि बंदे के अंदर क्या चल रहा है और उस टाइम पर जो बीजीएम चलता है वो और प्रभावित करता है। ये फिल्म 3 घंटे की है क्योंकि इसकी स्टोरी ही वैसी है। फर्स्ट हाफ में आपको पूरा कन्वर्सेशन सीन्स देखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या बातचीत चल रही है, जो देखने आया है वो दिखा, पर ये बातचीत वाला सीन्स भी जरूरी था। सेकंड हाफ में ये फिल्म अपने एटॉमिक बम की तरफ शिफ्ट होती है, जिसे देखने में काफी अच्छा लगता है। ये फिल्म सब लोगों के लिए नहीं है, इस फिल्म को एक मैच्योर इंसान ही समझ सकता है और इस फिल्म को देखते टाइम आपका पूरा फोकस इस फिल्म पर ही रहना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। फिल्म का हर एक किरदार ऐतिहासिक है क्योंकि ये फिल्म असली कहानी को दिखाती है। फिल्म में सिलियन मर्फी ने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का किरदार निभाया है और वाकई में उनका काम काबिले तारीफ है। वही दूसरी ओर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी ये साबित किया है कि वो सिर्फ आयरन मैन से बढ़कर भी काफी कुछ है। इसके अलावा मैट डेमन, एमिली ब्लंट सहित सभी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। हालांकि फिल्म के आखिर तक जेहन में आरडीजे और मर्फी ही रह जाते हैं। वही बात क्रिस्टोफर नॉलन के डायरेक्शन की करे तो उनकी फिल्मों के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है और यही वजह है कि ग्लोबली ओपनहाइमर को लेकर इतना ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। हालांकि ओपनहाइमर नॉलन की पुरानी फिल्मों से काफी अलग है। द डार्क नाइट राइजेज, टेनेट, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर जैसी फिल्में बना चुके नॉलन ने एक्शन और फिक्शन से दिल जीता है और इस बार वो ओपनहाइमर की कहानी लाए है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो नॉलन की अधिकतर फिल्मों में डायलॉग्स कम और विजुअल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन इस बार ओपनहाइमर डायलॉग्स से भरी है और इसे काफी संजीदगी से लिखा है। तो भाई लोग, मुझे तो ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आया और इस फिल्म को वही लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने नॉलन की पुरानी फिल्में देखी हुई है, मतलब कि नॉलन की पुरानी फिल्मों से वाकिफ है। इस फिल्म में ना ही कोई एक्शन है और ना ही कोई भारी भरकम डायलॉग, जो हाई ऑक्टेन मासी एक्शन फिल्मों में होता है। तो जिन लोगों को ऐसे हाई ऑक्टेन मासी एक्शन फिल्में देखना पसंद है उन लोगों को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो ये फिल्म चुनिंदा गिने चुने ऑडियंस के लिए है। तो अगर आप लोगों को क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्में देखना पसंद है तो आप लोग इस फिल्म को जरूर देख सकते हो। तो क्या आप लोगों ने इस फिल्म को देख लिया हो या नहीं, और देख लियो तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।